चिंता तैसी हुए जल मैं जान तो पाए अल तिना पेरोजी दे उत्थे हट न चले ना को किरस करे सौदा मूल न हो वही ना को लैन ना को दे जिया का आहार जिया खाना एहो करे बेच पाए सैरा तिन्ना पे सार करे सैर कहिंदे आ पत्थर नूं। बाबा जी अपनी बाणी अंदर कृपा करदे आ गुरु नानक देव जी महाराज नानक चिंता मत करो। ये जीव नूं कादी चिंता लगी है, इहनूं सारी दिहाड़ी अपने कम्मां धंदिआं विच दुनियावी चक्करां विच लग्या उत्थे चिंता च फसिया रहिंदा। बाबा जी कृपा करदे सी भाई ये जिहड़ी चिंता है ये अपने मालक नूं दे दिओ वी सच्चे पातशाह तू साडे ते मेहर कर असी तेरे बने रहीए तेथों दूर ना जाइए सानू कोई चिंता ना रहे तेरे हुंदिआं। अज जिवें बच्चे हुंदे आ निके निके पांच चार साल दे मापिआं दे गल ना चिंबड़दे आ मां दे प्यो दे कोई भी चक लवे उहनां नूं उह बेपरवाह हुंदे आ मापिआं दे सिर ते। जे मापे ना दिसण फिर रोणो नहीं हटदे। प्रेम है ना, प्रेम है ते साडा भी प्रेम होना चाहिए। सानू मालक ने मनुष्य जन्म दिता है बड़े भागा करके असी इस दुनिया ते आए हैं। बाबा जी ने बाणी अंदर साडे ते कृपा कीती है मानस दे पाई वड भागी नाम ना जपिया आत्मघाती। बई बड़े भागा करके मानस दे पा लई ते फस गया दुनियावी चक्करां विच नाम जपना भुल गया। मानस दे पाई वड भागी नाम ना जपिया आत्मघात। फिर वो अपने आप का घात करके चलिया जांदा है, कोई नहीं पुछदा। फिर उसे नरक विच डिग पैंदा जाके फिर उथों जे किते रब नूं तरस आवे वक्खरी गल है, नहीं कोई नहीं कढ़दा। बाबा जी ने अपनी बाणी अंदर ये साडे ते मेहर कीती है, ये सानू मनुष्य जन्म पता नहीं किन्ने एक जन्म किन्ने असी भोगे है। हुण सानू यह जिहड़ा मनुष्य जन्म बड़े भागा करके मिलिया इहदे विच असी नाम जपना है, बाणी पढ़नी है। कई गेरी बंदा नाम जपदा बाणी पढ़दा कलयुग उहनूं इह काम करन नहीं दिंदा। कलयुग कंधां विच दी नहीं आउंदा, उह इक दूजे दे विच दी आउंदा। हुण इक बंदा नाम जपदा एक कोले आले दुआले फिरदा रौला ही पाई जांदा, जां कोई जवाक आ गया उह रौला पाई जांदा, उहदा मन नूं टिकण नहीं दिंदा, उह कलयुग हुंदा। बाबा जी कृपा करदे सी कम कार असी सारे करने हैं, इह नहीं भी छड्ड देने हैं, कम भी करने हैं ते पर कम्मां तों उत्तम केड़ा कम है साडा।
जेड़ा सब तो जरूरी है वो अमृत वेले उठ के इनान करना, दो घड़िया रब वाले पासे लाउना टाइम, वो साडे लई जरूरी है। जे असीं वो टाइम नहीं कढ़दे फिर समझ लो सारे पासिया तो फेल है। बाबा जी कृपा करदे सी, कई कह देंदे है जी मेथों निकलदा नहीं टाइम, मैनू नींद आउंदी है। बाबा जी ने बचन करना भी चपेड़ मार मूह ते जदों नींद आउंदी है किवें आजूगी, जे खिच होवे किसे चीज की फिर नींद किवें आजू। आपां नूं खिच नहीं हुंदी ता नींद आउंदी है नहीं। बाबा जी कृपा करदे है, ये समा साढ़े हथों तुरिया जा रहा है। जदों बंदा बढ़ेपे विच जांदा है उदों सोचदा है सारी जिंदगी दी पिक्चर फिर उहदे मूर दी लंघदी है, मैं आ कीता जिंदगी च, मैं आ कीता, मैं आ कीता, सारा कुछ मूर दी लंघदा रहिंदा। फिर सोचदा यार जिंदगी एवें लंघ, ऐ भी कहण लग जांदा। ते बाबा जी कृपा करदे सी भाई ये जिंदगी नूं एवें नहीं जान देना, इहदे नाल चंगे काम करने हैं, महापुरशां दी संगत करनी है, गुरु घर विच आउणा है, झूठे फिकरां विच नहीं पए रहना। जिवें बाबा जी ने वचन किया है नानक चिंता मत करो, चिंता ते असी होए, असी चिंता च डुबे रहने हैं, साडा वह होण वाला, साडा वह होण वाला, साडा हो गया। यह तां जो कुछ करना कराउणा रब दे हथ विच है, बंदे दे हथ विच नहीं है। चिंता ते असी होए, जल मैं जंत पाए अन, तिन्ना पे रोजी दे। हुण 84 लाख जून है, 42 तां धरती ते है, 42 लाख पानी विच है, उन्हां नूं केड़ा रोजी दिंदा है? उन्हां नूं भी रोजी मिलदी है। आ एक दुनियावी जिहनूं असीं सुधार घर कह दिंदे, जेलां बणियां है वो जेलां दे विच हजारां ही कैदी बैठे है, जिन्ना चिर सारिआं नूं प्रशादा ना मिल जावे उन्ना चिर वो घंटी नहीं बजदे, सब अच्छा नहीं कह सकते। जे एक नूं नहीं मिलिआ ना सब अच्छा नहीं कह सकते, जदों सारिआं नूं मिल गया फिर कहना जी सब अच्छा भी सारे ठीक है। इधर परमार्थ विच है 84 लाख जून, किन्नी दुनिया माई भाई मानस दे वाले, जे सारिआं नूं खाणा ना मिले उन्ना चिर निरंकार दे घर विच भी सब अच्छा नहीं हुंदा। रब ने देना देना है, बाबा जी ने बाणी अंदर सानू ये समत दित्ती है, नानक चिंता मत करो, चिंता तैसी होए। बई तुसी चिंता सानू दे दिओ, तुसी का तो चिंता करदे हो। जल में जंत अपाए अन, जल दे विच जीव जंत किने पाए है? वो भी परमात्मा ने पाए। जल में जंत अपाए अन, तिन्ना पे रोजी दे, उन्हां नूं सारिआं नूं रोजी दिंदा। उत्थे हट ना चले, ना को किरस करे, ना कोई उत्थे हट चलदी है, दुकान चलदी है, भी को मुल उधार लै लैंदा होऊगा, उत्थे खाणा भी सब नूं मिल जांदा है। उत्थे हट ना चले, ना को किरस करे,
सौदा मूल ना हो गई, ना को लैन ना को दे, ना कोई सौदाबाजी होंदी है। जिया का आहार जिया खाना एहो करे, बेच पाए सैरा सैर कहिंदे पत्थर नू, तिना पे रोजी दे। केरा दा जिक्र गुरु कलगीधर पातशाह आनंदपुर साहब विराजमान है, ते बड़ा नेरी बगी जोर दी, ता जेड़ा सेवादार लंगर तैयार करदा हुंदा सी उन्हें थोड़ा जिहा मन दे विच फुरना बना लिया, बई नेरी ना बगे ता मैं गुरु साहब वास्ते थाल तैयार करके लै जावां। अरदास बेनती कर दिती, नेरी बंद हो गई। छोटिया मोटिया गल्लां मन लैनिया सेवादार दियां, यह मूली चीजा है, कोई वड्डिया नहीं है। ते गुरु साहब कोले जदों भाई लांगरी ओह जिहड़ा सेवादार सी प्रसाद तैयार करके जो थाल जाके मूहरे रखिया, गुरु साहब झाके ही ना उधर नूं, ओह सतनाम दे बाजे दिंदा। दो गेरी दिता सतनाम दा बाजा, फिर गल च पला पा के सच्चे पातशाह मैं थोड़ा अणजाण सेवक है, मेरे ते मेहर करो, मैनू समत दिओ, मैथों कोई गलती हो गई। गुरु साहब कहण लगे भी हां तू बड़ी भारी गलती कीती है, बाबा जी मैनू समत दिओ, मैनू पता नहीं लगे। गुरु साहब कह लगे तू ये नहीं कहा भी नेरी हट जावे, मैं थाल ले जाना है। हां बाबा जी कहा, फिर तेनू पता किन्ने जी जंत पहाड़ा दे विच पत्थरां दे बैठे है, बड़े बड़े सप्प पए आ जिन्हां वास्ते खाना जा रहा सी, ते तू अरदास करके मिनट च बंद करता सब कुछ, वह नहीं भुखे रहणगे, जा अज नहीं असी लंगर छकना। बड़ी अरदास कीती, कहिंदे गुरु साहब कहिंदे अज असी छकना ही नहीं। ते फिर उहने कहा सच्चे पातशाह मैं भुल गया, अगे तो इहो जिहा कम नहीं करूंगा। गुरु साहब समत बख्शदे है, जे सेवादार नूं कोई समत मिलदी है उहदा इह फर्ज नहीं जवाब सवाल करे, जवाब सवाल दोनों करे मुढ़ो कुत्था जाए, उहदा फर्ज आ सत वचन कहना, आग्या विच चलना। जे सेवादार आग्या विच नहीं चलता फिर बाबा जी कृपा करदे सी भाई माड़े कर्मां दी निशानी आ उह निशानी, नहीं असी हुक्म दे दायरे विच चलना है। बाबा जी कृपा करदे सी प्रभ मिलने की ए निशानी, मन इको सच्चा हुक्म पछाणी, हुक्म दी पछाण करनी है। मन की इस पजावन हारा सदा सदा जाई बलिहारा, जे असी मना दियां इसां पजाउणियां असी हुक्म दे विच आउणा, सदा सदा जाई बलिहारा सदा सदा तू है सुखदाई, लिव लिव लागा तेरी पाई। ये सच्चे पातशाह तुसी तां सारी दुनिया दे सुखदाई हो, अज तां लिव लिव थोड़े पाई लगना है, लिव लिव लागा तेरी पाई, सब कुछ तेरे बस। गुरु साहब दे की नहीं बस, सारा कुछ बस, जो मर्जी कर सकते है, सब कुछ तेरे बस, तेरा घर भला, तेरा घर आनंद वधाई,
तुद कर की नहीं है इत्थे सारा कुछ है पर बाबा जी कृपा करदे सी जिहड़ियां दातां है प्रसन्नता है वो किवें मिलदी है वो हुक्म विच मिलदी है जे हुक्म नहीं मानदा ता सारी उम्र पुट्ठा लटकले कख नहीं मिलदा पुट्ठा माड़ी मोटी वाहवा वाहवा तो हो जूगी जेड़ी प्रसन्नता है वो हुक्म ना मिलनी है प्रभु मिलने की प्रभु नू मिलन दी निशानी की है बाबा जी ने किन्ना क्रियल बचना विच कीता है प्रभु मिलने की ए निशानी मन इको सच्चा हुक्म पछानी असी देखिए किन्नी हुक्म दी पछाण करदे हैं सब अपनी अपनी मत घोटदे हैं बई मैं पता नहीं बाला सियाणा है मैं बाला सियाणा गुरु दे हुक्म नू कई असी हुक्म अदूली कर जाने हैं हुक्म अदूली विच फिर बाबा जी कहिंदे सी प्रसन्नता नहीं मन इको सच्चा हुक्म पछाणी जे मना दियां इसां पजाउणियां ते फिर बाबा जी कहिंदे सी भाई हुक्म दे दायरे विच आओ बाबा जी ने साडे ते किन्नी प्रसन्नता दित्ती है मेहरां कीतियां आ जिहड़ा स्थान है जिथे तुसी संगतां बैठे हो किड्डी वड्डी इत्थे किन्नी तेजी नाल इत्थे सेवा चली सी धन धन बाबा नारायण सिंह जी महाराज जिन्हां ने इत्थे सेवा चलाई 13 मंजिले स्थान दी किसे पासे पलस्तर हुंदे सी किधरे कमरे बणदे सी किधरे कुछ हो रहा सी किधरे कुछ हो रहा सी हजारां बंदा कट्ठा काम करदा सी ते की ओह कोई दस दे भी मैं कंगाल रह गया मैनू कुछ नहीं मिलिया कोई भी दस दे भी मैं बड़ी सेवा कीती सी बाबा जी किसे दा हक नहीं रखदे उन्हां ने सब कुछ देना हुंदा तां ही सेवा कराउंदे आ ओ दातां दिंदे आ गुरु साहब तां अपने आनंद विच बैठे आ गुरु नानक ते गए नहीं ओ गुरु ग्रंथ साहब दे विच हाजर हो जिसकी बाणी तिस मैं समाणी बाणी विच समाए होए है ते वरतदे किहदे राही है अपने प्यारिया राही नानक गोबत वरतदा प्रगट संत जन पर संत होवे स्वादू ना होवे लोभी लालची ना होवे सानू गुरु दे नाल जोड़दा होवे गुरु दे चरणा नाल बाबा जी ने इत्थे बाबा आनंद सिंह जी महाराज भी 2 साल रहे बाबा ईसर सिंह जी महाराज भी 7 साल दे नेड़ तेड़ रहे बाबा नारायण सिंह जी महाराज ने 64 तो लैके सारी इत्थे इत्थे भी काफी चिर रहे विराजमान रहे सारी जिम्मेदारी सांभी इस स्थान की आ 13 मंजिला स्थान लोगों ने पासे आसे दी लंघना कई संगियां ने भी बैठ के विचार करनी जा रे स्थान पता नहीं कदों बनेगा ये तो स्तीरियां ते खड़ा है कई ये भी कह देंदे सी इन्हों ने की बनाउना है ये तो कुर्सी ते बैठे रहिंदे है ये कित्थों बना देणगे ऐ भी कहिंदे सी पर बाबा जी उन्हां नूं पता हुंदा है
घोड़े ते सवार बैठा है जेड़ा कंडियाला है वह सवार दे हाथ विच है। उन्होंने देखना सी किन्ना के नू छड़ना है, जिन्ना क साड़े है वह उन्ना की भजदा है। इधर भी जिन्ना जिन्ना हुक्म जिवे जिव हुक्म तिवे तिवकार, हुक्म अनुसार सारा काम होया। जदो समा बन गया किसी संगता नाल बैठ के विचार नहीं होई, बाले संगियां नू बाबा जी ने किसी नू पुछया नहीं। ओ पुछदे हुंदे जिहड़े कमजोर होण, जिन्हां नू आप नू कोई सोचदा ना होवे। बाबा जी जदों इह बणदा शुरू दा होया प्रोग्राम, बाबा जी बाहर बैठे जिधरले पासे मट है, आपां धुप्पे बहिंदे हुंदे आ उधर परे, ते अपने गुरचरण सिंह ठेकेदार देखो कित्थों विध बणदी है। ਇਹ 87 ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 87 ਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਰਸਤੇ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਸਿਵਰਲਾਈਟ ਆ ਪੁਰਾਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆਵੇ ਇੱਕ 118 ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਅਟਾਂ ਜੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਬਈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਲਸੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਏ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਲਸਿਆ ਆਹ ਗੱਡੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਰਾਹ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪਾਲਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿਓ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾਈਏ, ਗੱਡੀ ਮੂਹਰੇ 12 ਐਤਵਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠਹਿਰਿਆ ਠੁਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਪੁੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਲਿਓ ਦਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਾਲਸਿਓ ਨੇ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਜੋ ਇੱਥੇ 4.5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੈ ਸੁੱਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ 56 ਮਾਡਲ ਜੀ ਖੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਲਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਨਾਨਸਰ ਕਲੇਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਸਾਡਾ ਝੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ 13 ਮੰਜ਼ਿਲਾ 17 ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਸਰ ਲੱਗਦਾ ਝੋਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ, 88 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 99 ਦੀ, 99 ਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਿਲਡਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਲਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਨਰਲ ਕਰਨਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕੀਤੀ, ਪਾਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਮਰੇ ਬਣਾਈਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਕਲੀ ਕੁਲੀ ਪਵਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਏ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਪਾਠ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰੱਖਣੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਕ ਤੁਕ ਵਾਲੇ ਸੰਪਟ ਖੰਡ ਪਾਠ,
बाबा जी ने दास नूं सद्या कहण लगे भी कर लिया गल सुन ला बई असी जगह नहीं बनाउणी। सच्ची गल है मेरा मन डर गया। मैं कहा बाबा जी ने क्यों झड़ देने जवाब देता, बनाउणी तां संगियां ने है। ते थोड़े चिर बाद चुप रहे, फिर कहते नहीं जगह तो बनावांगे, साडी जगह तो विच ही बन जू, पहला आपां बाबा ईसर सिंह जी महाराज का स्थान बनाउणा है। कहते उदू बाद साडी जगह विच आपे बन जूगी। मैं कही सत वचन। ते कहण लगे तेरे कोले माया किन्नी का है, उदों दा वचन। ते मैं कहा बाबा जी 40,000 तो होऊगा। कहिंदे कि बस ठीक है, जदों इह भोग पै गया उदे आपां इह जगह नूं ढाउणा शुरू कर देना। मैं कहा बाबा जी 40,000 नाल तां इट्टां वी नहीं आउणियां। कहिंदे मुड़ के नहीं सानूं इह वचन कहना, अज तां तूं कहता। इह गीसा है गुरु नानक दा, ते इह स्थान बाबा जी दा आपां बनाउणा ही बनाउणा है, ना मुड़ के सानू तू कम चलदे ये कहना है जी अज सीमेंट मुक गया जा अज रेता है नहीं जा इट्टा है नहीं, सानू तू कोई गल कहनी नहीं अज तो मुड़ के। असी कहा जी सत वचन बाबा जी, अज तो सत वचन ही सी बाबा जी दे, सानू तो विश्वास सी जो बाबा जी ने करना हो जाना। ते चलो जी समा बन गया, ते जिदे भोग पै गए। मैं तो भुल गया कि उदो नींदा नूं तां थके वाले सी, सारी रात जागदे सी, 10-11 बजे पिया सी, बाबा जी आ गए बाहर, सानू भेजता बंदा सद्दण। ते सद के जदों बाबा जी ने सानू बड़ा घूरिया, कहिंदे भुल गया तैनू की काम किया सी, पहले तो सुरत जी मसा आई, पग मैं बनदा ही आया बाके आया। ते कहिंदे की किया सी तैनू जिदे पाठ प्रकाश किते सी। ते मैं कहा बाबा जी याद आ गया। कहिंदे फिर तू कोई तैयारी नहीं कीती होण तिकर। ते जदों बाबा जी ने ताड़ना कीती सी उदों ही डाक्टर अपने झोलड़ा वाला, उहदा नां तां मैं भुल गया, है राज डाक्टर, वह इत्थे पाठां विच वी लगदा सी। मैं कहा भी आए कर एक पीपे की देग बना। तो पिंड जाके कहता होका दवाता झोलडा च भी बाबा जी का हुक्म है जगह बनानी है, तो हाल ढाना है। पहले पासे हाल से सतीरिया थे, उन्होंने ढाना शुरू करता। बस उस दिन तो 14 चेत तो यह काम चल पिया, अपने ढाण ढुआई का। 5 मई न सारा कुछ हो गया, सफाई हो के मिट्टी पट्टी गई, ते न्यों रखी उदे 5 मई नूं न्यों रखी है इस जगह दी, भोरा साहब दी पहला। ते अज देख लो किन्ने 99 दी 5 मई नूं, ते इन्ने समय विच 98 तिकर बाबा जी ने किड्डियां मेहरां कर दित्तियां, किन्ना कुछ लग्या इत्थे। ये सारी कृपा बाबा जी दी वरतदी है, गुरु साहब दी वरतदी है, पर वो अपने प्यारिया महापुरशां दे राही वरतदी है, किसे आम लोभी लालची दे राही नहीं वरतदी। बाबा जी कोले की सी, सोटी ते सिमरना। जा किते ना किते जदों ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੇਲੇ ਫੈਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੰਗੀ ਅਸਲੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ फिर बाबा जी कहते प्रसन्नता नहीं लै सकता। ये जिन्ना इतने काम होया वा
ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੈ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਉਪਜੈ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਾ ਆਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਕਾਲੇ ਕਾ ਕਸ ਨਾ ਬਸਾ ਕਾਲੇ ਅਕਾਲ ਯੁਗ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ 13 ਮੰਜ਼ਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਚੱਕਰ ਚਲਾਤਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿਹਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਚਤ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਜ 13 ਮੰਜ਼ਲਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹੇਗਾ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ ਆਹ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾ ਸੰਕਟ ਸਭ ਖੋਵੈ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਭੇਟੀ ਹੈ ਮਰ ਜਨਮ ਨਾ ਰੋਵੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਉਹ ਰੋਵੇਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਬਾਹਾਂ ਲੜਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਵੇ ਬਲ ਕਿਆ ਕਰੇ ਲੱਖ ਵਾਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ 50,000 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਖਾਲੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਦਾ ਆਪ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੇ ਵੱਧ ਪਾ ਲਈ ਤਾਂ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੇਲ ਡੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਮਗਦਾ 4 ਵੀ ਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਾਹ ਤਾਂ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛਕਣਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਆਪ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਜੇ ਆਪ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੋ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਓਨਾ ਕੁ ਖਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਚੱਲੇ। ਜੇ ਵੱਧ ਖਾ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਔਖੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਗੈਸ ਟ੍ਰਬਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਾਤਰ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਬੰਦਾ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸੀਸੀ ਅਗਲਾ, ਨਿੱਤ ਦੇਵ ਚੜ੍ਹ ਸਵਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਾਤਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਦਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਛਕੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਛਕ ਲਓ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਣਾ ਤੁਰੋ ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ, ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਹੈ ਇਹ ਬਣੇ ਕਾਹਤੋਂ ਸੀ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਮਲੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹੋ ਤੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਬਣਾਏ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਨਸ਼ੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਛੋਟੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਹ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਸ ਪੀਤਿਆਂ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਲ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਮਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਪੀਤਿਆਂ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਰਲ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੇ, ਖਸਮੋ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਖਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਿਆਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਕਰਨ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੁੱਠੇ ਜੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਜਾ ਘਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਵੜ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦਾ ਉਹ ਜੁਗਾੜਮੈਂਟ ਸਾਰਾ
एसी ऊसी जे सब कुछ पट के लै गया, वह सब कुछ लै गया चाह के जाता जाता सुनेहा दे गया अपने मुंडे नूं बिंदी नूं। ओनू गड्डी विच बैठ के बाहरों कहिंदा भी मैं लोगों के पैसे बाले देने है, हरेक मेरे को आके पैसे मंगदा, मैनू शर्म आउंदी है बई इत्थों बाबयां दे घर ते आके पैसे मंगदे है। हौली हौली मैं तार के फिर देखूंगा। मैं क्या भाई तू पैसे लाए कित्थे है, तेरे घर दे तां पता नहीं भी किसे घर दे बंदे ते पैसे लाए होण तां, तेरे भरा साडे कोले सारे आउंदे है, रिश्तेदार आउंदे है, वह तां तू उन्हां तों भी कई तों लै गया ना भाई, इह जिहा झूठ नहीं बोलना। ये भी जिहड़ी माया किसी ना किसी के कल युग पैंदा है, ये तो बंदा बच जे वड्डे पुन्नां दी निशानी हुंदी है, जे फस जावे फिर देख लो सत्ता ते बलवंडा भी गए सी ना, गुरु साहब उन्हां ते पूरे खुश सी, ते गुरु साहब उन्होंने कहा जी असीं विआह करना है, सानू बाबा जी एक दिन की माया जिहड़ी चढ़ू ना वह दे दिओ। बाबा जी कहिंदे भाई सोनू उदा ही बथेरी दे देंगे, ये लोगों की पूजा कानू मंगदे हो तुसी, ये तो साढ़े कोले चढ़दी है। कहिंदे नहीं जी, उन्होंने आए सी भी साडे बगैर कोई है ही नहीं इत्थे। गुरु साहब कहिंदे चंगा थोड़ी मर्जी आए कर लो, फिर वो ऐसी रब की नीयत है उदे कोई समान ही ना मूहरे आया पूजा आई ना, हुण इहनू कह दिओ बाबिया ने करती जां ना करती है तां अपनी इच्छा है ना, पर गुरु साहब ने तां किसे नूं नहीं रोकिया, पंजवें पातशाह ने भी तुसी ना आयो भाई इत्थे अज, उन्होंने नहीं किया। गुस्से हो गए चले गए घरे, कहिंदे जान के साडे नाए कीती। गुरु साहब आप गए उत्थे उन्हां नूं लैण वास्ते, उन्होंने जवाब देता हंकार गए बई नहीं असी नहीं आ सकते, हुण सानू जो मर्जी देण असी नहीं जाणा। फिर गुरु साहब ने तुहानू पता ना सराफ देता सी, पर मैं नहीं सराफ देना किसी नूं, असी तां मामूली जे बाबा जी दे सेवादार आ, जे कोई साडे कोले एक गेरी भी रोटी खा गया तां उहनूं भी बुरा नहीं कहिंदे। हाँ वो रब वालों ही कोई ना कोई मार पै जे उन्हूं असी नहीं कह सकते, पर ओ मगरों उन्हां दा बुरा हाल हो गया, कोड़ भी पै गया। फिर वह एक गुरु का जिहड़ा सेवक सी उहदे कोले गए, तो वह उन्हूं लैके आए, उन्हूं पता सी भी गुरु साहब उहदी मन लैणगे, फिर उन्होंने बख्शाया सी। हुण इह दूजी वेर साडे कोलों भज्जिआ, एक बेरी पहला चलिया गया सी, फिर बड़ा रोया बाग में आके, मैं जी भुल गया मैं उखड़ गया मेरे ते मेहर करो। मैं कह बग्गा से अज तक तेनों कुछ नहीं किया, इसलिए भी इत्थे बाबे दे घर विच किसी चीज का घाटा नहीं, कोई बंदा कह दे जाए पहला तो समय सी है जे पर हुण नहीं है। ते इत्थे तां जाणी दी हर वक्त बाहरों बंदे आउणे, लोकां दे काम कार कराउण जांदा हुंदे आ, पता नहीं नहीं साडा नाम बेचणा ये चीज़ां जिहड़ियां ये चंगीआं नहीं। ते असीं उहनूं समझाया सी एक वेरी बहा के, कोले बल्ली सी बलविंदर सिंह, मैं कहा तूं इउं ना कर, तैनूं जिहड़ी चीज़ दी लोड़ आ साथों लै ला, रोटी इत्थे आम रज के खाण नूं, पदार्थ कुछ दा घाटा नहीं, पहनण पच्चण दा साडे कोले घाटा नहीं, गड्डियां मोटरां दा साडे कोले घाटा नहीं, पैसा 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 तू दिन्ना किहनूं, इह तां दस देना वी किहनूं दिन्ना पैसा, इत्थे आ के चुप। ते इस तरह दा भाई उहदा हाल सी विचारे दी, सानू तो सच्ची गल है यही दुख लग्या भी उहनूं जाणा नहीं चाहीदा सी, कि वह जिमें किसी का कोई पुत मर जाए इन्ना दुख होंगे, पर सानू फिर बाबयां दे
बचन करके सानू उस मंत्र सहारना पैंदा। उहदी इच्छा उहदी मर्जी है। जो बंदा एक चोरी भज गया तो चोर नूं असीं की कह सकते हैं, चोर की हम भरे ना कोई। तो फिर तो भाई इस तरह सी, इन्ना कि असीं तां दस्सिया कई बंदिया नूं पता नहीं हुंदा, उठियां सिद्धियां गल्लां कर लैंदे आ, इह तां तुहानूं वचन दस्सिया। ओ एक मुंडा मोटा जिहा आया साडे कोले, मनवीर कौन सी, ओ फोन सानू मारी जावे मैं लख रुपया लैणा जी ओ तो बाबिंदी नूं। ते मैं आख्या उहनूं पुछ वी तूं सानू पुछ के दित्ता सी, तू तां साडे मत्थे नहीं लग्गिया कदे वी। इस तरह के बहुत बंदे आ जिहड़े इत्थे वी बैठे होणगे जिन्हां ने लैणे आ। आ हालत होई आ उस बंदे दी, आ उहनां दा परिवार है, आ भोला सोहनी है, किन्ने सियाने बंदे आ, गुरमुख परिवार है, गुरमेल सिंह है, ते ए इन्हां दी नहीं, इन्हां नूं नहीं कोई कह दिंदा, इज्जत वाले बंदे है। ते इस तरह भाई असी तां दस्सिया सारे संगियां दे विच, ते असी बई सलीहत नूं दस देना चंगा हुंदा है, एवें ना कोई रगड़िया जावे पैसे पूसे ना लै जाणगे तो पढ़ के। ते तां करके अपने उत्थे जिहड़े सरदार बलबीर सिंह होणी हुंदे सी, उहनां कोले केरा चलिया गया, उहनां नूं कहिंदा मैनूं जल्दी दिओ, मैं नानसरों आया, 4 लाख रुपया चाहीदा। ओ जी आड़तियां दे तुर पे लैण वास्ते। ते ओ जिहड़ा बिट्टू मुंडा बलदेव सिंह दा, ओह कहिंदा आपां बाबा जी उस तां लईए, सरदार बलबीर सिंह नूं कहिंदा वी आपां काला सिंह उहनां नूं फोन करके तां पुछ लईए। कहिंदी ओह तेरी तां आपां सोचिया ही नहीं, जदों सानू फोन मारिया मैं कहदे पैसे अजे तक भेजिया नहीं। यानी इस तरीके दे काम करदे सी ओह, पता नहीं उहनां नूं कादी लोड़ है, कित्थे वरतदे आ, की गल है। इस तरह भाई हुण असीं साडे सतनाम सिंह है जलंधर तों, ते बंदा तां पचित्तर सिंह मधरा जिहा पर कीर्तन सोहणा करदा है। हुण असीं इहनूं थापड़ा दे दित्ता, इह साडा हजूरी रागी है भाई। ते इस तरह आपे होर आपदी संगत वधा लूगा, नाल मुंडे भी वध जाणगे, इत्थे घाटा भी कोई नहीं। आ बैठा गोल पग वाला, इहनूं पुछो किन्ने पैसे लैणे, ओह दसो खड़ के किन्ने पैसे लैणे, तां दस सच्चा वचन दस साडे कोल कहना आके। कादे वास्ते लिया सी ए, इस तरह का उहदा सुभाअ है। चलो बह जा शाबाश ठीक है। ते हुण इह साडे कोले आवे, मैं कहा मैं दस की करा भलिया मानसा, ते तू भाई ते साडे कोले पाठां ते लग्गिया रहा, तेनू भी सेवा मिली जाणी है। ते इस तरह भाई ओह इदां दा सुभाअ सी उहदा। ते इस तरह ओह दे वी इक लिया भी सतनाम आ भाई उरे। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪਚਿੱਤਰ ਸੋ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਲੈ ਬੋਲੇ ਸੋ ਵਚਨ ਕਹਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ सोहना कीर्तन करता है जोड़ी भी जानता है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह गुरु प्यारी साध संगत जी आजो बाबा जी ने मेरे वर्गे ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕੀੜਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾਹ
ये बाबा जी साढ़े हैं पातशाहियां देने वाले। तो मेरे मन च कभी भी नहीं यह आया सी कोई कोई ऐसा बाबा जी कृपा करनगे। तो दास ने तो कीर्तन की सेवा की है जो आए हैं बाबे दर च तकरीबन 20-21 साल हो गए हैं। तो मैं इस गल का पता अनुमान भी नहीं सी बाबा जी ने ऐसी कृपा कर देनी है। तो बाबा जी का हुक्म सिर मत्थे पर मेरी बेनती भी बाबा जी पास है बाबा जी पर अपना मेरे पर हाथ भी रखियो मेरे ते मैनू डोलन भी ना दे उस च पाशा मेरे रखियो क्योंकि जीवन दे विच बहुत कुछ समा जिहा आ जाता है हनेरियां आ जांदियां ते तुसी हाथ रखना इस च पाशा बाबा जी। तो मैं कोशिश पूरी कोशिश करांगा अपने वालों जिहड़ी बाबा जी आप जी का फुरना है उसनू पूरा करांगा। तुसी मेरे पर हाथ रखियो इतनी की बेनती करके मैं खिमा दा जाचका। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। श्री अकाल। इस तरह भाई जिन्नियां संगतां आए हो सारे वड्डे भागां वाले हो तुहानू पंछी जी ने भी दस दिता सतनाम सिंह ने बई अपना 6 फरवरी का अपना नगर कीर्तन आ रहा है। तो इस तरह भवें सड़क भी बनती है पर एकती गए रहे पालकी साहब कहते एक पालकी साहब उधर अपने संत जौला वाले कोले आ वह भी बहुत वधिया एकती वह कहते बाबा जी सानू ये सेवा दे दो साड़ी बहुत वधिया पालकी साहब गड्डी बड़ी हुई है तो उन्हां वाली लियावांगे इत्थे पर अपने वाली नूं दर्शनां वास्ते बाहर कढ़ांगे। तो सड़क हजे बननी जदों वधिया बन गई फिर इहदे ते कढ़िया करांगे। तो इस तरह भाई उदों सारिया ने अपने संगी साथी मोटरसाइकलों वालों सारे प्रेमियों बढ़ चढ़ के लिया तो फिर बाबा जी दी खुशियां ये मस्या का दिहाड़ा बाबा जी कहते सी आपां संगतां नूं नाल लेके आईए एक जाड़े नूं जोड़ देना जहे जी 100 गऊ पुन करती जहे जा एक बंदे नूं गुरु घर नाल जोड़ दिता। बाबा जी कहिंदे सी कोई बुरा भरा लफ्ज कह के तोड़ देना जहे जी बाबा जी कहिंदे सी माड़े पासे देती जहे जा एक जाड़े नूं तोड़ देना। इन्ना बाबा जी कहिंदे सी पाप है सच बोलना झूठ नहीं बोलना। जिहड़ा बाबा जी कहिंदे सी भाई बंदा सच बोलदा है वह दुध पी रहा है जिहड़ा झूठ बोलदा है वह कोई मैली शाय खा रहा है। ये बाबा जी का बहुत बड़ा तपस्या वाला स्थान है। ये स्थान ते बाबा जी ने सारिया ने तपस्या की है। धन धन बाबा नारायण सिंह जी महाराज दियाँ इत्थे मेहर है। तो इस तरह अपना हुण गुरु घर भी बहुत पंछी जी होनी भुल गए सी इन्होंने दूजी मंजिल कह दी दूजी तो पैगी काफ़ी चिर दी हुण तां तीजी मंजिल है उहदे उपर गां बुंगे बनने हैं वो छोटा जा लैटर आ वह पै जाना चलो किसी ने दर्शन मेला करना हो 5-10 बंदे आ जाएंगे कोई माड़ी गल भी नहीं है। तो इस तरह भाई उत्थे काफ़ी पत्थर वाली पाल्टियां भी लगिया हुई हैं तो जेड़े थले दूजिया टैलां लाउंदे वह भी लगे हुए हैं तहां बुंगे बनाउण वाले भी लगे हुए हैं उत्थे 25-30 बंदे लगे हुए हैं सेवा वाले। इस तरह बाबा जी का वो जगह बन रही है। बाबा जी ने आप ही मेहरां कीतियां ते होर सारे भागां वाले असी हुण समाप्ति करदे हां। जिन्नियां भी संगतां आए हो भागां वाले बाबा जी का वचन नानक चिंता मत करो चिंता तेसी होए जल मैं जंत अपायन तिन्हां पे रोजी दे उत्थे हट ना चले। बाबा जी कृपा करदे आ ना को किरस करे सौदा मूल ना हो वही ना को लहर ना को दे जिया का हार जिया खाना एहो करे बेचो पाए सैरा तिन्ना पे सार करे। बाबा जी कहते सी भाई पत्थरां दे विच भी रब दिंदा है। ते इस तरह सारे भागां वालिओ संगी साथी असी हुण समाप्ति करदे हां। जिन्नियां भी संगतां आए हो वड्डे भागां वाले अमृत वेले उठना नितनेम करना बाणी पढ़नी। बाबा जी कहिंदे सी चंगा फुरना बन गया सज्जे नूं खब्बा डीको ना
माड़ा फुरना बनता है उत्थे विचार कर लो आप तो वड्डे ना विचार कर लो ओ समा लंघ जाएगा। इस तरह बाबा जी कृपा करते सी भागा वाले हो सारी संगत जेड़े मस्या के दिहाड़े ते आए हो ते अपना सारिया ने ख्याल भी रखना है ते इस तरह सेहतां दा भी ख्याल रखना है। असी हुण समाप्ति करते हैं सारिया संगतां नूं बहुत साढ़े वालों प्यार भरी फतेह। बाबा जी कृपा करते सी जेड़ा बंदा चंगे विचारां नूं हिरदे विच वसावेगा फिर सानूं की मिलेगा। ये लोग सुखिए परलोक से नानक हर प्रभ आपे ही मेले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।